हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में अमितिका जाता है यहाँ पर ना, पुलिस और गाविन उसके पापा डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वही अभी मेंटली स्टेबल नहीं थी और इस सिचुएशन में अब जेल पे ले जाना सही नहीं था। और यहाँ पर गाविन एक कर रहा था कि पुलिस उसके घर के आसपास है ताकि वही ना बाहर ना जा सके। और पुलिस बोल रहे थे कि जो वही ने किया है वो नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है और इसमें एडिशनल अगर वो एक्टिंग कर रही है ऐसा कुछ प्रूफ हुआ तो ये किसके लिए भी सही नहीं होगा और वही को तो कोई भी नहीं बचा सकता, ऐसा वो बोल रहा था पुलिस वाला इंसान। और यहाँ पर गाविन के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे गाविन के लिए क्योंकि उन्हें पता है ना गाविन वही को अपनी माँ की तरह मानता है और पुलिस अब उनके घर के चारों तरफ रहने वाली थी ताकि वो ना पापा को कंटेक्ट ना कर पाए हुई। और गाविन बहुत ज़्यादा परेशान था अपने हैंड के लिए क्योंकि वो अब उई को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। एंड देन हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट वाला चेन जहाँ पर ना पापा ट्राई कर रहा था वही से कांटेक्ट करने के लिए और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो हॉस्पिटल में आ गया था लेकिन बाद में मिल तो नहीं पाता, वो एक अकेले जगह पे चला जाता है और वही भी हॉस्टल में चली गई थी। उसके बाद वो उससे बात करती है और वो बोलती कि दो तीन दिन तक मेरे साथ कॉन्टैक्ट मत करो, बाद में तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगी। और वही नहीं चाहती थी कि इस सिचुएशन में वो हॉस्पिटल से जेल तक उसे जाना पड़े, इसीलिए वो बहुत बड़ा मेलोड्रामा कर रहे थे लाइक बीइंग मेंटल। बट वो मेंटल नहीं थी वो सबको पता है इंक्लूडिंग ना भी, लेकिन अब गाविन को नहीं पता। और उसके बाद ना भी आ जाती है वही वाले कमरे में और यहाँ पर ना वो गाविन से बोल रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो क्योंकि गाविन ने बचा लिया था वही को और अब वो मेंटली इल होने की वजह से वो जेल पर नहीं जा सकती थी ऐसा। और यहाँ पर ना भी बोलती कि तुम्हारी आंटी एक्टिंग कर रही है, गाविन बोलता है नहीं मेरी आंटी एक्टिंग नहीं कर रही है, वो सच्ची में अभी मेंटली इल है और वो तुम उससे जेल पे नहीं भेज सकती, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, ऐसा वो बोला था। और हमार नाभी को ना बहुत बुरा लगता है क्योंकि पहली बार था जो गाविन सारा सच जाने के बावजूद भी वो अपने आंटी की साइड ले रहा था। और वो नाभी बोलती कि ठीक है अगर तुम अपने आंटी को बचाना चाहते हो तो ट्राई करके देखो, जितना हो सके अपने आंटी को बचा के देखो क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जो इसने किया है, जो इसने मेरी बहन के साथ किया, जो तुम्हारी माँ के साथ किया, सब कुछ का हिसाब मैं करूँगी, इसके लिए बोल देती है। और नाभी ना बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी यहाँ पर, वही ना बहुत एक्टिंग करती है लाइक मैं सच्ची में मेंटल, लेकिन मेंटल तो नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर नाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्या करना है। यहाँ पर सैंडी वो और नाभी बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर लॉ के हिसाब से होता क्या है ना, जब कोई इंसान मेंटली इल है तो उसे जेल पे नहीं डाला जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल असाइलम भेजेंगे या फिर अगर वो मेंटली इल है साबित हो जाएगा तो वो जेल पे तो जाएगी नहीं। और इस सिचुएशन में नाभी वही को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। जो एक कहावत है जो बहुत फेमस है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करो, और नाभी भी करती हुई है। जो उसका सबसे बड़ा दीवाना था उसके लिए कुछ भी कर सकता था, चाचा के पास चली जाती है और उसके साथ एक डील रखती है कि अगर वो उई को जेल तक भेजने में उसकी मदद करेगा तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी, मतलब उसकी जो अरमान है ना उसके लिए, मतलब नाभी के लिए जो फीलिंग है ना वो उसे इस बार मना नहीं करेगी। तो अब ये सुनने के बाद तो चाचा तो दो सेकेंड में मना ओके बोल देता है और वो बोलता है कि आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, बस आप अपने वादे से मत मुकरना। और नाभी भी बोलती है कि अगर आप मुझे मेरे बदला लेने में मदद करेंगे तो मैं आपके हर चीज़ को ओके बोलूँगी, ऐसा वो बोल देती है। अब चलते हैं नाभी की एक और स्टेप पे, यहाँ पर चाचा की मदद से वो करती क्या है ना, वो ओके ले आती है। अब चाचा इतना पावरफुल इंसान है सबको पता है वही, और वहाँ पर काबिन मतलब काबिन के घर पे यहाँ पर आ जाने के बाद नाभी के सामने ओकील ये बोलता है कि नाभी वही साहब के सामने इन लोगों ने केस को रिओपन कर लिया है, तो अब यहाँ पर वो मेंटली इल है या नहीं वो चीज़ फिर से रिचेक किया जाएगा। इसने के बाद काबिन उसे बाहर ले आता है। यहाँ पर नाभी बोल रही थी कि मुझे तुम नहीं रोक सकते, इस बार मैं नहीं रोकूंगी, तुम अपनी आंटी को बचाने की ट्राई कर रही हो और मैं नहीं बचाऊंगी तुम्हारी आंटी को। काबिन बोल रहा था कि क्या तुम ये सब नहीं रोक सकती, मेरी आंटी को माफ़ नहीं कर सकती, तो यहाँ पर नाभी पूछती कि नहीं जो उसने किया है उसके लिए तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती। और यहाँ पर ना काबिन नाभी के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अब इस टाइम पे उसे लगता था कि सीरियसली उसकी आंटी को इस तरह से जेल पे नहीं जाना चाहिए, अब उसके लिए तो उसकी मौत थी। लेकिन नाभी बोलती कि इस बार मैं नहीं रुकूँगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ना उसे गले लगाकर बोल रहा था कि प्लीज़ तुम्हें अच्छी तरह से पता है चाहे कोई किसी को भी मदद करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहता है, तुम उसके साथ मत मिलो बोल रहा था। नाभी बोलती कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। और इनकी ये सारी बातें जो लाडा सुन लेते हैं, जो लाडा मतलब चाचा की बेटी, और उसे आइडिया हो जाता है कि उसके बाप और उसे खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं काबिन और नाभी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि
जो चाचा था उसने प्रापे को पकड़ लिया था, लेकिन नाभि जब कल करके पूछती है ना तो चाचा ही मना कर देता है कि वो बोला था कि हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन नहीं गाइस, अब तक ना चाचा ही ने और उसने आदमी ने प्रापे को पकड़ लिया था। नाभि को थोड़ा अजीब लगता है ये बात, और उसके बाद दिखाया जाता है प्रापे को उसके यहाँ पर एक्चुअली क्या था ना, वो नाभि के पीछे पीछे जा रहा था उसके कहने पर, और यहाँ पर वो पकड़ा गया। और यहाँ पर प्रापा चाचा ही प्रापे को बोल रहा था कि मैं तुम्हें उस तारे की तरह इस्तेमाल करूँगा जो मुझे मेरे मकसद तक ले जाएगा, और नाभि ऐसा वो बोला था। और उसके बाद हमें दिखाया गया इधर हुई हुई तो पागल हो रही थी, वो सोच रही थी कि कहाँ गया प्रापा सडनली गायब कैसे हो गया। अब देखो उसकी लाइफ में तो कोई बचा नहीं है, और एक प्रापा था जो उसकी हर बात मानता था, उसके लिए कुछ भी कर लेता था, और दो दिन प्रापा आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो चुका था। अब तक उसे नहीं पता कि वो पकड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ पर ना अब क्या था, यहाँ पर जो काविन था अब हिम्मत करके वही को बोल देता है कि एक्टिंग करना बंद कीजिए, हमें पता है आप मेंटली इल नहीं है, बस सजा से बचने के लिए सब कर रही है। लेकिन यहाँ पर ना इसे सुनने के बाद वो बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मतलब एक्टिंग सो इनोसेंट। लेकिन यहाँ पर काविन बोलता है कि मुझे पता है आंटी, प्लीज़ अभी भी वक्त है, हम मेंटल जो डॉक्टर होता है ना साइकेट्रिस्ट उसके पास चले जाते हैं, वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वही बोलते हैं कि नहीं मैं मेंटल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मतलब बींग अ साइको वही एक्टिंग कर रही थी इमोशनल ट्रॉमा। और काविन उसे नहीं समझा पा रहा था कि आपको इलाज की ज़रूरत है, हम इलाज करते हैं। बेचारा काविन इतना रोता है, लेकिन वही उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोंग और चैंडी ने ये पता लगा लिया था कि जो चाचा था उसने प्रापाई को कहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि नाभि को डाउट हो चुका था कि उसने उसे पकड़ लिया होगा क्योंकि दो दिन से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रखा था। और यहाँ पर पोंग और चैंडी जाके ये पता लगा लेते हैं कहाँ पर वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद इधर दिखाया जाता है वही को, वही का क्या था वो बताती हूँ, जो चोलनाडा थी वो आके उससे एक ऑफर देती कि जाओ नाभि को ख़त्म करो, क्योंकि चोलनाडा और वही दोनों के रास्ते की कांटा नाभि थी, और अगर नाभि खत्म हो जाएगी तो अब जो लड़ा को काबिल मिल जाएगा और वही के लाइफ से भी नाभि का हमेशा से अलविदा हो जाएगा। तो क्या करती है ना, नाभि अपनी अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग एरिया पे थी, वहाँ जब वो अपना गाड़ी देख रही थी ना तभी वो आके उस पर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, तभी जो नाभि इस टाइम पे फायर बैक कर लेती है, वो बोलती है कि तुम वही हो ना, लेकिन अब तक मास्क पहना हुआ था तो कन्फर्म नहीं होता, लेकिन क्या होता है इस मोमेंट पे वो उसका मास्क उतार देती है और वो उसे देख लेती है, वही तुम हो, मैंने कहा था तुम ऐसा मत करो, काबिन को हट मत करो, फिर से तुमने हट किया काबिन को, ऐसा वो बोल रही थी। तो वही इस टाइम पे नाभि पे वार करती है, और उसके बाद यहाँ पर नाभि गिर गई थी। तो नाभि की किस्मत तो अच्छी थी कि वहाँ पर उसी टाइम पे गार आ गया, तो यहाँ पर वही तो भाग गई थी और नाभि की जान बच जाती है। लेकिन गाइस क्या था ना, ये वाला सारा प्लान नाभि का था, उसकी असलियत सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। अब तक उसके पास कोई सबूत नहीं था, तो यहाँ पर ना उसने रिकॉर्ड कर लिया था उसके कैमरे पे, और अब उनके पास ठोस सबूत था उसके अगेंस्ट उसने क्या किया है वो सब साबित करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाचा आया हुआ था क्लब पे, यहाँ पर उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नाभि अभी क्लब पे, लेकिन यहाँ पर फिनी उसे इतना उलझा रही थी। तो बेसिकली प्लान क्या था वो बताती हूँ। यहाँ पर चाचा को जब पता चलेगा नाभि क्लब पे, तो ऑब्वियसली वो नाभि यहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ जहाँ पर उसने प्रापे को रखा था वो जगह तो खाली हो जाएगी, और नाभि वहाँ पर पहुँच गई थी। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो प्रापा को बचाने के लिए आई हुई थी, लेकिन प्रापा इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है ना उई को कुछ भी मत करो, वो बहुत कुछ जब करती है और वो सारी चीज़ बताता है अब तक हुई ने जो भी झेला है बचपन से, बींग मिस्ट्रेस डॉटर, और जो काबिन की माँ थी उससे नफरत झेलना, और सारी चीज़ें उसे इंश्योर करती गई, वो सारी चीज़ें बताता है। और वो उसे प्रॉमिस लेता है कि वो उई को कुछ भी ना करे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद नाभि बोलती कि तुम्हें क्या लगता है, ये सब सुनने के बाद मैं रुक जाऊंगी, उसने जो किया है उसकी माफ़ी ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, उसका एक्सक्यूज ये तो नहीं हो सकता, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन प्रापा उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। और उसके बाद ये लोग ना वहाँ से निकलने वाले थे, उसके बाद फिर से इधर दिखाया जाता है एक जो चाचा था उससे वो इतना गुस्सा करता है, उसके लोग यहाँ पर ना सीन क्रिएट कर देते हैं, फिनी को स्लैप मारते हैं, और यहाँ पर ना बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया था क्लब पर भी। और उसके बाद दिखाया जाता है नाभि और काविन को, काविन बहुत ज़्यादा परेशान था, और यहाँ पर ना ये दोनों उई के बारे में ही बातें कर रहे थे। नाभि बोलते कि अब ये सब होने के बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो
कुछ पास की मेमोरीज याद कर रहा था काबिन, जिस तरह से विनी उसे हमेशा से सपोर्ट किया। और यहाँ पर नाभी उससे पूछ रही थी तुम क्या करोगे, तो काबिन बोलता है कि मैं उन्हें जेल पे भेज दूंगा, अब मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इतना कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर वो पूरी बात बोलता इससे पहले वही वहाँ से निकल जाती है, वही इनकी बातें सुन रही थी और अंदर जाने के बाद वो बहुत रोने लगती। तो क्या होता है ना, काबिन ने कहा था कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें नहीं बचा सकता, फिर भी वो मैं उससे उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी माँ में, मैं उनको जेल पे कैसे जाने दूँ, ऐसा वो बोला था। लेकिन आधी बात सुनने बगैर ही वो वहाँ से निकल गई थी और अंदर बहुत रोने लगती है, बहुत ज़्यादा। वही को पहली बार लाइफ में बहुत अकेलापन फील हो रहा था, क्योंकि काबिन उसके लिए उसकी दुनिया थी और काबिन उसके अगेंस्ट आ रहा था इस टाइम पे, और वो उन्हें जेल डालना चाहता था। ये चीज़ उन्हें खाए जा रही थी। और उसके बाद वो बाहर बैठी हुई थी और वो सारी चीज़ें याद कर रही थी, अब तक उन्होंने जो जितने लोगों के साथ किया और किस तरह से लोगों को परेशान किया, किस तरह से लोगों की जान ली। उसी टाइम पे उसे कॉल आता है किसी का और उसके बाद वो फ़ोन उठाती है, एक्चुअली वो शायद जॉन लाडा का फ़ोन था। नेक्स्ट सीन जहाँ पर वही हॉस्पिटल पे आ रही थी सबके साथ, वो मेंटली ले ना फिर से रिजेक्ट करवाने के लिए ना भी इस टाइम पर बोलती कि अब काबिन को हर्ट करना बंद करो, ये तुम्हें जेल पे नहीं डालने वाली। तो यहाँ पर वो बोलती कि इस मेहरबानी की कोई खास बचे, तो यहाँ पर वो बॉस बोलते कि जस्ट मैं काबिन को हर्ट नहीं कर सकती, जिस तरह से तुम काबिन के लिए प्रोटेक्टिव हो इसी तरह से मैं भी हो। लेकिन यहाँ पर अब तक सब कुछ बिगड़ चुका था ना, वो उसकी बातें सुनती है, उसे धक्का देते हैं, वहाँ से भाग जाती है। तो काबिन और काबिन के पापा इतना परेशान थे, एडिशनल फ़ोन आता है उन्हें, तो क्या था ना बताती हूँ, जो हुई थी वो चली गई थी चाचा के पास, और इनका ऐसा कुछ प्लान था कि काबिन और काबिन के पापा को रास्ते से हटाना और यहाँ पर प्राबाई को छुड़वाना, और इसीलिए अब वो लोग काबिन और काबिन के पापा भी उस जगह पे चले गए थे। यहाँ पर जाने के बाद बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होता है, उसके ऊपर गोली चलने वाली थी, तो काबिन आके क्या करता है ना, उसको जो गोली लगने वाली थी चाचा से वो गोली खा लेता है, एंड देन काबिन वहीं पर बेहोश, शायद मर गया, आई डोंट नो। और यहाँ पर ना वही उसी गुस्से में जो चाचा थे उसके ऊपर इतने ज़्यादा गोली बरसाती है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसके बाद ऐसा दिखाया गया है कि वही थोड़ा मेंटल हो गई है। और यहाँ पर एडिशनल जो प्रापा था वो भी मर गया वही को बचाते टाइम। यहाँ पर ना अब कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है वही हॉस्पिटल में बैठी हुई थी शायद 2 से 3 महीने बाद, काबिन भी ठीक हो चुका था। काबिन आता है, काबिन आने के बाद वही को देखता है और वही बोल रही थी बेटा तुम कौन हो, तो बेसिकली वही सब कुछ भूल चुकी थी। क्या था ना, वही ने इतना कुछ झेल लिया तो अभी उनका दिमाग बहुत बच्चों की तरह हो गया था और उन्हें अभी अब तक जो कुछ भी वो याद नहीं, बस बचपन की चीज़ें याद है। और काबिन ना उन्हें देख के रोने लगता है, तो वो बोलती बेटा क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पर काबिन बोला था कि आप मेरी माँ की तरह दिख रही है, तो वो उन्हें गले लगाती है। और यहाँ पर नाभी को दिखाया जाता है कि नाभी डॉक्टर से बात कर रही थी, यहाँ पर पता चलता है कि वही ने ना सब कुछ भुला दिया है, उनका जो ट्रॉमा था ना वो उन पर हावी हो गया और अब शायद वक्त लगेगा या फिर वो कभी ठीक भी ना हो, जो काबिन मतलब बड़ा वाला काबिन उन्हें कभी याद ही ना हो, तो इससे बुरी सज़ा उनके लिए क्या हो सकता है। काबिन इतना रोता है ना, वो बोला था आप मेरी माँ की तरह दिखती हो। और यहाँ पर जब पूछती आप तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा, तो वही बोलने के बाद वो बोलते कि मेरा नाम भी वही है, तो तुम मेरे मुझे माँ बोल सकते हो, ऐसा बोल के यहाँ पर ये सुनने के बाद काबिन को बहुत रोना आ रहा था। और बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बोल के उसे समझाती है और गले लगाती है। और बचपन में जिस तरह से वो उसके लिए गाना गाया किया करती थी ना, शायद उसे लोरी बोलते हैं, वही वो गाती है। वो मैं सोच रही थी जिस औरत ने पूरी लाइफ स्पिल कर दी सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के प्यार पाने के लिए, लेकिन उसे आखिर में क्या मिला, देखो सब कुछ भूल गई, इट वॉज द ओस मोमेंट। इसके लिए इससे बुरी सजा कुछ और हो ही नहीं सकती थी वही के लिए, इन माय ओपिनियन। आप लोग बोलो मुझे कि आपके लिए ए वही का ए वाला पार्ट कैसा था, मतलब उसने सब कुछ भुला दिया, उसे अब कुछ भी याद नहीं बचपन वाला काबिन का, अब जिस प्यार के लिए इतना कुछ किया वो तो कुछ भी नहीं रहा उसके पास, काबिन तो बहुत रोने लगता है। तो अब वही का तो ऑलमोस्ट इसी के साथ सेटलमेंट हो गया। और उसके बाद अब कुछ टाइम पर दिखाया जाता है वही को घर लिया गया, लेकिन वही अब तक ठीक नहीं हुई थी। वो काबिन के पापा से बोल रही थी कि काबिन आया क्या, तब यहाँ पर काबिन के पापा बोलते कि नहीं आया अभी। तो यहाँ पर इन लोगों ने वही को इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, अब वो इन लोगों के साथ रहने वाली थी। काबिन को देखती है और बोलती कि बेटा तुम यहीं पर हो। और उसके बाद वो नाभी को देखती हुई बोलती कि ये कौन है, तो काबिन बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनने के बाद वही बोलती कि अच्छा है, तुम दोनों साथ रहो हमेशा, खुश रहो, ऐसा वो बोल रही थी। और वो अंदर चल जाती है। अब चलते हैं लीड के एंडिंग वाले सीन, जहाँ पर काबिन बोल रहा था कि वो स्विमिंग पूल के साइड पे था जहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी ना, वहाँ पर बैठते हुए वो अपनी माँ को शायद श्रद्धांजलि दे रहा था, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो
यहाँ पर ना नाभी बोलते कि सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद वो बोलते अब मैं इस बटरफ्लाई को कहीं और जाने कभी भी नहीं दूंगा। ये वही बटरफ्लाई था जो बार बार आता है। तो और यहाँ पर ना नाभी बोलती है अब ये बटरफ्लाई तुमसे दूर जाके थक चुकी है, अब उसे रेस्ट करना है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो पहले वाले मोमेंट्स दिखाया जाता है जिस तरह से काबिन और नाभी एक दूसरे के साथ रहते थे, पहली बार वो जैसे मिले थे। और देखो कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, इस इतनी सिंपल और स्वीट मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर इन हो जा हो गया। सो ये था नाभी माय स्टेप डार्लिंग का होल सीरीज एक्सप्लेनेशन। आपको मेरे प्लेलिस्ट पे इसके पूरे पार्ट्स मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मुझे फा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और नाभी माय स्टेप डार्लिंग भी मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, लाइक नॉट सो कॉम्प्लेक्स स्टोरी अच्छी थी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसके अलावा वायला भी अब कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे पास ड्रामा ज़्यादा नहीं है, मुझे कोई और ड्रामा आप लोग सजेस्ट भी कर दे रहेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नाभी माय स्टेप डार्लिंग, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।